दरभंगा से नई दिल्ली तक का सिर्फ 600 रुपया इसका है, तो इसका मतलब आप मान कर चलो 40 रुपये अमृत भारत का सुपरफास्ट से ज़्यादा है। हालांकि इसका नंबर जो है वो मेल वाला ही है, 1557। टिपिकली बोलूँ तो थर्ड एसी इकोनॉमी टाइप कॉन्सेप्ट है इसमें, एक तरह से पूरा फुली थर्ड एसी इकोनॉमी टाइप कॉन्सेप्ट है। जो अलग चीज़ बस देखने को मिली वो बस USB टाइप सी वाला भी लग जाता है, जो USB से चार्जिंग वाला भी लग जाता है, इसमें बस सॉकेट ही होगा और कुछ नहीं होगा। हावड़ा राजधानी देखो, इसके पीछे आप जा रहे हैं नई दिल्ली भाई, इसको आगे नहीं आने दिया हमारी ट्रेन ने, और इसके पीछे डिब्रूगढ़ राजधानी लगी, फिर सियालदह ऐसे गरीब रथ भी लगी है। मतलब इस ट्रेन ने राजधानी गैंग को उनकी औकात दिखा दी है, मतलब ऐसे कहने में आता है। हाँ जी भाई, क्या हाल चाल है आप सभी के? तो भाई अभी मैं हूँ उत्तर प्रदेश के ही लखनऊ चारबाग रेलवे स्टेशन के बाहर में ही, और यहाँ लखनऊ नवाबों के शहर हैं भाई, और आज ये दूसरी जर्नी यहाँ तक मुझे लगता है मेरी लखनऊ चारबाग से। मैंने लास्ट टाइम भी 2 साल पहले के करीब मैंने कोई जर्नी स्टार्ट की थी जैन में 2021 में, वो मैंने राजधानी की थी, और अभी भी किसी प्रीमियम ट्रेन की कर रहा हूँ, मतलब जो अभी नई नई लॉन्च हुई है वही अपनी अमृत भारत, जिसको वंदे हरदान का भी हम रेल फैंस बोल देते थे पहले, लेकिन ऑफिशियली तो अमृत भारत हो चुकी है। नमस्कार, सत श्री अकाल, आज पहले ही दिन इसकी जर्नी है, तो आज उसी के लिए मैं आया हूँ। अभी तो चलो 5:04 हो रहे हैं, एक नंबर पे आया हूँ, अभी इस साइड तो चलो गोमती खड़ी ये भी निकलेगी। बाकी इस ट्रेन का ना मैंने बेसिकली सोचा था कि मैं 2 तारीख को ना डाउन वाली करूँगा, जो आनंद विहार से चल के दरभंगा जाएगी, उसको अयोध्या या लखनऊ तक कर लूँगा या कानपुर तक कर लूँगा। फिर मेरे को याद आया यार अभी फॉग भी फुल फॉग का तो चलो इतना कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि अभी क्या 3 बजे वहाँ से आनंद विहार से चलेगी जब 3:30 के करीब, और मतलब 2-3 घंटे बाद जो है अंधेरा हो जाएगा, तो मतलब अंधेरे में जर्नी मतलब वैसे ही मज़ा नहीं आएगा। तो अभी डे लाइट में मैं पूरी जर्नी करना चाहता, इसलिए इसको लखनऊ से अप वाली पकड़ रहा हूँ यहाँ से, मतलब अभी वैसे दिन तो मतलब अभी थोड़ा निकल जाएगा, ज़्यादा से ज़्यादा 1 घंटा लगेगा, 1.5 घंटे में तो पूरा क्लियर हो जाएगा। और अब कानपुर से दिल्ली तक इसका अभी वहाँ से इसका 1:30 शुरू होगा। पुष्पूल ट्रेन ना, दूसरी बार कोई पुष्पूल ट्रेन कर लो, पहली बार तो सिया राजधानी की थी। अब देखो भाई, मैं थोड़ा बहुत ना मतलब मेरे को इस चीज़ का डाउट है, इसको वैप से मॉडिफाई नया वैप 5 बनाया इसके लिए CIW ने, वैसे तो वैप 7 जो है वो भी लग सकते थे, मेरे को इतना लगता है यार, जो नॉर्मल वैप 7 है जो सिया राजधानी में पुष्पूल लगता है, इसको तो वो भी लगा सकते थे, लेकिन इन लोगों ने नया उसका उसकी लिवरी वाला डिज़ाइन किया, चलो वो भी अच्छा। वैसे तो वैप 7 को भी वैसे लिवरी पेंट करके कर सकते थे, अलग बनाने की जरूरत नहीं थी वैसे रेलवे को, जहाँ तक मुझे लगता है। आज पहले दिन चली तो अनाउंसमेंट भी आई थिंक मैनुअली हो रही है ना इसकी। दरभंगा से चलकर आनंद विहार तक जाने वाली अमृत भारत एक्सप्रेस गाड़ी प्लेटफॉर्म नंबर 4 पर आ रही है। 5:34 हो रहे हैं, मतलब इसका 5:05 का वैसे डिपार्चर था, कुछ 20-25 मिनट का वजह से डिले तो हो ही चुका, अभी अनाउंसमेंट हुई थी इसकी मैनुअली जो दिखाई थी। मेरे को ये नहीं समझ में आ रही कि वैसे इंडिया की पहली अमृत भारत है दूसरे, क्योंकि दोनों तो एक साथ हुई हैं, ये और जो मालदा से बेंगलुरु वाली, ये तो चलो दोनों एक साथ ही लॉन्च हुई थी, बाकी ये कि अभी ठंड जो है ना इतनी बढ़ चुकी है, अब टेम्परेचर देखोगे तो आप गौर से देखोगे 9 डिग्री सेल्सियस हो रहा है, और मेरे से मतलब हाथ में भी ग्लव्स पहनी है इसलिए वजह से मेरे से फ़ोन भी नहीं पकड़ा जाता, इतनी मतलब ठंड हो रही है। वेट तो उसी का है यार मेरे को, मेरे को ये अभी ये टेंशन है कि ट्रेन में कितनी लगेगी, क्योंकि ट्रेन तो चल रही होगी, बस ये कि चलो LFP कोच उसमें थोड़ा फिर भी ठीक होता, ठंड कम लगती है। तो ये आ गई भाई अपनी गाड़ी 1557 1557 आनंद विहार को जाने वाली दरभंगा से अमृत भारत एक्सप्रेस गाजियाबाद वैप 5 के साथ। इसका बोर्ड मिसिंग है यार, यहाँ से लगाया नहीं हुआ अभी इन लोगों ने, वो इनॉग्रल वाला था, अभी रेगुलर वाला मुझे लगता लगाना शुरू किया है। जनरल देखो भाई खाली पड़ा, अभी सीट आराम से मिल जाएगी, मेरे को पहले पता होता मैं जनरल में चला जाता। चलो का डिस्प्ले वैसे मैनुअली भी लिखा हुआ है और डिजिटल भी, दोनों तरह से डिस्प्ले हो रहा है बोर्ड, अच्छा बात है यार। ऐसा ये मेरा फर्स्ट टाइम है कि मैं किसी अमृत भारत ट्रेन को ऐसे लाइव देख रहा हूँ, इससे पहले तो बस मैंने वीडियोस वगैरह में ऐसे ही देखा है। चलो बाकी जो भी फर्स्ट इंप्रेशन तो अच्छा लग रहा है, बाकी देखते अंदर से कैसी ट्रेन है, बाकी चलो अंदर एक बार देख ही लेते क्या इंटीरियर है। वैसे ज़्यादा तो ये फिर हमको फिर भी अभी तक साफ ही लगा है, जो भी अभी तक लगा, वैसे दरभंगा से कल की निकली हुई है ये गाड़ी, यही है भाई, हाँ यही है 71, मेरे को यही मिली थी, मैंने 17 वेटिंग थी जब करवाई थी, हो गई साइड लोअर मिल गई, ये अच्छी बात है। चलो भाई मुश्किल से 5 मिनट रुकी होगी, डिपार्चर हो गया इसका लखनऊ चारबाग रेलवे स्टेशन से। इधर बाकी गोमती एक्सप्रेस भी साथ ही में निकली है अपने, लेकिन पहले तो हमारी ही जाएगी भाई, इसको
इसको तो बीच में ही रोक दिया जाएगा। बाकी अभी गेट बंद ही रखते हैं यार, क्योंकि अभी भी लगभग लोग जो हैं सोए हुए हैं। थोड़ा सा उजाला आ जाए फिर ही बाहर निकलूंगा। अभी अपनी सीट के ही मजे लेता हूँ यार। मेरा फोन दीजिए। अच्छा अच्छा, जाने वाले की सब। अच्छा सभी खाना वाना भी मिलेगा इसमें तो? सारा कुछ भी अवेलेबल होगा, जो चाहिए सो चीज़ मिलेगा। वैसे ही अमृत भारत तो कोई नॉन एसी इसमें पेंट्री कार का कोई तो वैसे कोई है नहीं, ऑन बोर्ड केटरिंग है। भैया ने बोला मतलब सब कुछ आपको मिल जाएगा पहले दिन। देखने वाली बात है इसमें जो इसकी केटरिंग में और नॉर्मल केटरिंग में मतलब जो फर्क क्या होता है, मेरे को तो ये चेक करना है। वैसे इसको लखनऊ से निकले हुए थे, आधे पौना घंटा हो गया और बाहर मैंने देखा है अभी फॉग ही फॉग चल रहा है भाई। इसीलिए ये 110 पे भी नहीं है, 100 पे भी नहीं चल रही, मुश्किल से 60 पे ही चलते पूरे रास्ते। अभी कहाँ भी उन्नाव आएगा उसके बाद फिर कानपुर पहुँचेगी ये। एक्सप्रेस तो बॉस गाड़ी जो है अब एक तरह से ऑन टाइम ही हो चुकी है और आ चुकी है कानपुर सेंट्रल पे। दो तीन मिनट का गैप है, मेरे को लगा था डिले होगी यार, ये बीच में 40 मिनट तक हो गई थी डिले जब ये उन्नाव से पहले तक मतलब कवर कर लिया इसको, क्योंकि इसको दो घंटे का तो फ्लैग दिया हुआ लखनऊ से लेकर कानपुर तक और पूरे रास्ते 60 पे आई है। 110 100 तो मतलब फुल स्पीड पे तो आई नहीं जो उस रूट पे इसकी मैक्सिमम परमिशेबल थी। चलो अब इस रूट पे तो जो मैक्सिमम परमिशेबल स्पीड है, मेरे को इसका वेटा भी आगे चल के 130 पिकअप करेगी। मेरे को वेटा इटावा स्टेशन का बेसिकली, क्योंकि इटावा के का मेन प्लेटफॉर्म पे रुकेगी, मेन लाइन पे वहाँ से जो एक्सेलरेट करेगी ना, वेट करना ज़रा उसका, मेरे को उसी का ज़्यादा वेट है। मेरे लिए मेन मोमेंट वही है, क्योंकि मैंने सीआर राजधानी का भी ब्लॉग बनाया था उसमें नासिक रोड पे जो एक्सेलरेट कर दिया, अब मेरे को इसका वेट है। वैसे मैंने देखा इसकी प्रायोरिटी तकड़ी है, मतलब मुश्किल से 3 या 4 मिनट रुकी होगी। सिग्नल तो आई थिंक इसका हो भी चुका है, हॉन्क दे दिया हुआ है, स्टार्टर मिल गया इसको यार। वैसे मैं आगे जनरल तक आ गया था और देखा मैंने जनरल का क्लास भी लगभग खाली पड़ा है। अभी शुरुआत में तो खाली ही लगेगा, बाद में जाकर लगभग भरेगा इसका। तो मैंने देखा वैसे इसको कानपुर से भी बोर्ड कर रहे हैं यार कुछ लोग। यहाँ पर अभी प्रयागराज एक्सप्रेस आई है, काफ़ी डिले चल रहे हैं भाई गाड़ियाँ आजकल, और क्योंकि हो सकता है हमें आगे चल के ओवरटेक भी पड़ जाए, हो सकता है हमको आगे चल के ओवरटेक एक आधी राजधानी से पड़ जाए। हावड़ा राजधानी अभी निकली इसके आगे आगे और ये चल पड़ी है, और पीछे अभी डिब्रूगढ़ राजधानी अभी अराइव करनी है कानपुर सेंट्रल, और एक आधी गरीब रथ भी पीछे है। तो हो सकता है जो कानपुर से दिल्ली ट्रेन नॉन स्टॉप है उससे ओवरटेक अलीगढ़ में पड़ सकता है हमको। चलो बॉस, गाड़ी का तो वैसे ज़्यादा स्टॉप रखा नहीं था, चलो प्रायोरिटी भी तो देनी है ना अब इसको। शुरुआत में तो मुझे नहीं लगता इसको डिले करेंगे। वैसे कानपुर से अभी निकलने के बाद तो मैंने इसका जनरल में आया हूँ एक तरह से जनरल का ओवरव्यू देने। मेरे को जनरल भी अभी वैसे खाली खाली सा ही लग रहा है, ज़्यादा कुछ भरा नहीं है। देखोगे तो मतलब पूरा खाली सा ही लग रहा है, आपको आराम से जाने के लिए सीट मिल जाएगी। हाउस कीपिंग स्टाफ का भी कुछ सामान पड़ा है वहाँ पर, देखोगे तो मतलब चार चार्जिंग सॉकेट है। वही स्लीपर में भी ऐसा ही है कुछ, हाल जो मैंने लगाया मोबाइल होल्डर वही, और यहाँ पर 2 चार्जिंग सॉकेट मोबाइल होल्डर है, और हैंगर्स 3 अलग से दिए हुए हैं।
मतलब ये भी जो भी है एक तरह से वैसे तो ठीक है, और ये चीज़ भी बिल्कुल स्लीपर टाइप ही है, इसमें कोई चेंजेस नहीं किए गए। और यहाँ पे डस्टबिन वैसे यहाँ पे नहीं है, वैसे बाकी ये कि यहाँ पे दबाओगे तो पानी आ जाएगा, वैसे इसमें आ ही रहा है एक तरह से पानी। एक में ये है कि यार इसको दबाई रखने में ना जैसे इकोनॉमी में वैसा करना चाहिए, क्योंकि एक बार दबाओगे तो पानी आता रहता है इसमें, भले छोड़ भी दो ऐसा होना चाहिए कि दबा के रखो तब तक पानी आएगा, क्योंकि पानी की वेस्टेज इसमें ज़्यादा होती है। ये एक तरह से मेरे को लगता है कि थोड़ा बहुत रेलवे को देखना चाहिए। तो भाई मैं इसी का वेट कर रहा था, देख लो कानपुर निकलते ही मतलब एक दो स्टेशन छोड़ के भावपुर से थोड़ा टाइम पहले खींच दी बस इसने 130, इसी का वेट कर रहा था। चलो बाहर एक्शन लेने चलते हैं अभी इसका। तो भाई वेंडर ने एक अच्छी बात बोली कि जो जो अमृत भारत के जो भी जो ऑनबोर्ड केटरिंग के जो वेंडर्स होंगे ना उनको ऐसे एक तरह के टर्बन मिला था, दरभंगा से मिला था ना भैया आपको ऐसा? नहीं, अच्छा आईएससी मतलब वहाँ से पहले दे दिया होगा आपको? मनकापुर। अच्छा मनकापुर से। अच्छी एक चीज़ है आईएससी की तरफ से, और ऑरेंज ड्रेस है क्योंकि ट्रेन भी बाहर से ऑरेंज है तो ऑरेंज तरह की ड्रेस है, मैचिंग मैचिंग। देखो भाई मैंने इसका अभी जो फेयर का बात बताऊँ तो दरभंगा से नई दिल्ली तक का सिर्फ 600 रुपया इसका है, और क्लोन हम सफर से तो काफ़ी हद तक सही है क्योंकि इसका 715 रुपये लग रहा है, मतलब 115 रुपये आपका साफ बच रहा है। और वैसे नॉर्मल जो गाड़ी सुपरफास्ट है उसमें आपको 560 रुपये देना पड़ता है, तो इसका मतलब आप मान कर चलो 40 रुपये अमृत भारत का सुपरफास्ट से ज़्यादा है। हालांकि इसका नंबर जो है वो मेल वाला ही है, 1557 आप देख रहे होगे, 1557 इसका नंबर मेल वाला ही है। ये तो चलो मैंने दरभंगा से देखा, यही अगर मैं आपको अगर लखनऊ से दिखाऊँ ना आनंद विहार के बीच में, वैसे ये तो फ्राइडे को जाती है, तो लखनऊ से अगर मैं दिखाऊँ तो लखनऊ से ये ट्रेन जो है ना अमृत भारत ये ऊपर आ रही है, और बिहार संपर्क क्रांति कहीं नीचे जा कर के आ रही होगी, सप्त क्रांति जैसे दिखाता हूँ आपको, वो कहीं आपको नीचे जा कर के मिलेगी वैशाली वगैरह, ये वो बिहार संपर्क क्रांति है देखो ये कहीं नीचे जा कर के है, और अमृत भारत आपको ऊपर ही मिल जाएगी। मगर देखा जाए तो अमृत भारत लखनऊ से नई दिल्ली संपर्क क्रांति से तेज़ है, और मतलब दरभंगा से नई दिल्ली संपर्क क्रांति से थोड़ा कम है, क्योंकि वो पाया तो मैंने बताया जो अयोध्या घूमगा के आती है, ये तो इसकी पूरी कहानी है। अगर अयोध्या वास के लिए जाना हो या मतलब अगर आप लखनऊ से नई दिल्ली हो तो आप इसको प्रेफर कर सकते हो, ये गाड़ी आपके लिए सही है। अभी काफ़ी 130 किलोमीटर नॉन स्टॉप चलने के बाद बस थोड़ा सा स्लो हुई थी बीच में,
अब पहुंच गया इटावा पे। मैंने देखा कस्बा काफ़ी स्लो इसका अराइवल हो रहा है, हालांकि मेन लाइन पर ही हो रहा है लेकिन काफ़ी स्लो हुआ है। भाई मेरे को जो कोई भी दिख रहा सब इसकी वीडियो ही बना रहे हैं, मतलब आगे भी कोई ना कोई दिख रहा है, ऐसे पब्लिक नॉर्मल इसकी वीडियो बना रहे हैं। बढ़िया लग रहा है, ये पहली बार इस रूट पे आई ना एक तो कमर्शियल वे पे। और वहाँ पर आपको दिखेंगे ना दरभंगा क्लोन एक्सप्रेस के जो कोच बर्न हो गए थे इटावा पर, जो हादसा हुआ था एक ऐसा लार था उसमें क्लोन एक्सप्रेस। यही माहौल है भाई इटावा का तो। भाई ज़्यादा तो वैसे मैंने देखा है ज़्यादा देर तो रुकेगी नहीं वैसे। हम मेरे को पहले लगा था कि इसको ना इटावा पे लूप पे लगाएंगे, अभी तो मेन पे लिए क्योंकि पीछे राजधानी गैंग पूरा चल रहा है, डिब्रूगढ़ राजधानी हावड़ा राजधानी पीछे चल रही है। कानपुर में मेरे को ऐसा लगा था कि हावड़ा राजधानी आगे चली गई, लेकिन वो अभी भी पीछे ही है। हावड़ा राजधानी डिब्रूगढ़ राजधानी दोनों एक साथ पीछे चल रही है हमारे बिल्कुल। और ऐसा लगा था कि ओवरटेक मारेंगे लेकिन मेन पे आई है तो चांसेस कम है, बाकी देखना है। पूरे रास्ते 130 पर आई है, मतलब कानपुर से पंकी धाम के बाद 130 पकड़ा इसने, और ये भी नहीं कि कुछ टाइम के लिए। मैं आपको मान के चलो मेजॉरिटी टाइम 130 पे है बस। एक अभी ये एक दिन से वो ट्रैक का काम चल रहा तब स्लो हुई थी, और एक स्टेशन और था तब स्लो हुई थी, वो भी इतना स्लो भी नहीं हुई थी भाई। पूरा मतलब कंटिन्यूस 130, इतना मैंने अभी तक किसी राजधानी में भी मैं मान के चलूँ इतना कभी कंटिन्यूस 130 नहीं देखा होगा जितना इसमें देखा मैंने इटावा तक। ब्रिलियंट आई है, और इसमें भी ये अभी भी आधे घंटे से ऊपर डिले हो गई है। सोचो इसका स्लैक कितना टाइट होगा, आप मान के चलो फॉग बीच बीच में था थोड़ा, इतना नहीं था, फॉग में 130 मार रही है। बढ़िया गाड़ी है यार, प्रायोरिटी पूरी है। लेकिन अभी तो चलो मैं इसको जैसे लखनऊ से दिल्ली तक जा रहा हूँ, मेरी कोशिश ये है कि अभी जो मालदा टाउन वाली जो चली है ना उसकी फुल जर्नी करना, या उससे पहले तक अगर कोई अगली एक आधे महीने तक अगर कोई और लॉन्च होती है तो उसमें फुल लॉन्ग डिस्टेंस जो चलेगी ना वंदे साधारण जो चलेगी, अभी तो और भी आएंगी अमृत भारत बेसिकली, उसमें जर्नी करने का बहुत मन है। इटावा बेसिकली जंक्शन है, यहाँ से मैनपुरी और ग्वालियर के लिए लाइन चली जाती है। सिग्नल ऑलरेडी हो चुका है, वैसे ज़्यादा रिस्क नहीं लेना चाहिए यार। मैं तो सुबह से कुछ खाया पिया भी नहीं ना, बाकी चाय मिल जाएगी आपको, समोसे वगैरह छोटी मोटी चीज़ें मिलेंगी, ज़्यादा कुछ खास नहीं। बाकी ये शॉप आपको मिल जाएगी चाय पानी के लिए, ये सब चीज़ें दुकानें भी हैं आपके पास स्नैक्स वगैरह लेना हो तो। यहाँ पे इंडिया का मान के चलो पहला साइकिल हाईवे बनाया गया था, जो कि यहाँ से आगरा तक के लिए 208 किलोमीटर का स्ट्रेच होगा वो यहाँ से। हो गया भाई, जाना ही पड़ेगा अब भाई, असली एक्सेलरेशन का खेल देखना है, क्योंकि ये मेन लाइन पर आई यहाँ से एकदम से पकड़ेगी। पीछे राजधानी गैंग लगी हुई है, मेरे को अच्छी बात ये लगी ओवरटेक नहीं लगाया भाई, मेरे को नहीं तो था इसको ओवरटेक मारेंगे, क्योंकि राजधानी किससे ज़्यादा प्रायोरिटी रहेगी। आज पहला दिन है और मुझे लगता है पहले दिन में ना लगता है जो कंट्रोलर है ना वो बोले आज इसको प्रायोरिटी देनी राजधानी को, क्योंकि पहले से डिले है ये, तो फिर भी आधा घंटा डिले है, वो दो दो तीन तीन घंटे ऐसे डिले चल रही। भुवनेश्वर राजधानी भी अभी गई है सुबह, उसको कल रात को जो जाना था, अब एक्सेलरेशन का खेल शुरू होगा यार। इटावा जंक्शन तो भाई अभी वीडियो बना रहे हैं, उधर भी लगे हुए अंकल सब लगे हुए हैं। ओ भाई एक्सेलरेशन देखो भाई इसका, भाई वो ट्रैकमैन तक वीडियो बना रहे इसकी देख लो क्या पॉपुलैरिटी है इसकी।
तेज उससे आगे जा रहे हैं, एक्सेलरेशन कमाल है भाई। ज़्यादा लेट तो यहाँ नहीं है, मुश्किल से 26-27 मिनट ही होगी, थोड़ा बहुत एक मिनट कुछ ही ना मिनट कवर किए हैं भाई। ये देखो कोई ना कोई मिल ही जाए वीडियो बनाने वाला इसका, वो देखो हार लेकर खड़े यार इसके लिए, वाह मेरे हार लेकर खड़े हुए भाई बंदे, हार में मोबाइल है, सबके हाथ में मोबाइल पकड़े हुए वीडियो के लिए। लगभग 10:09 हो रहे हैं तब आइए। वैसे लखनऊ से लेकर अभी तक तो हम लोगों ने 300 किलोमीटर से ऊपर ही डिस्टेंस कवर कर लिया, इसको तो आई थिंक 1000 से ऊपर हो गया होगा दरभंगा से, कल दोपहर 3 बजे की चली हुई है। वैसे ये हम लोग वैसे लखनऊ से निकलना था, वैसे 5:30 निकली थी लखनऊ से, अभी 10:11 हो रहे हैं और इतने में 300 किलोमीटर बहुत ज़्यादा है यार। वैसे शेषनकोट TDL है इसका, यहाँ से आगरा फोर्ट वाली लाइन अलग हो जाएगी। अब जिन लोगों को आगरा जाना है आप यहाँ उतर सकते हो, आगरा वालों के लिए भी एक तरह से बढ़िया ट्रेन ही है, फोर्ट से यहाँ आ जाओ, यहाँ से ये पकड़ लो कानपुर लखनऊ के, अगर कहीं भी जाना तो ये ट्रेन बेस्ट ट्रेन है उनके लिए। हाँ अयोध्या के लिए इसके लिए, लेकिन ये है कि अयोध्या की टाइमिंग ना थोड़ी अलग सी है, बेसिकली इसको अयोध्या करके चला तो दिया है, मगर अयोध्या दोनों बार भले आप यहाँ डाउट दोनों बार आधी रात के बीच में, अगर रात के 1 या 2 बजे ऐसे शेड्यूलिंग है इसका। देखा जाए तो ज़्यादा तो ये किसी भी रेलवे स्टेशन पर रुकेगी नहीं, मुश्किल से 2 मिनट हार्डली, पीछे क्योंकि राजधानियाँ लगी हुई हैं। भैया अभी सेल्फी लेंगे इसके साथ सब ऐसे ही करेंगे यार, बढ़िया यार। प्लेटफॉर्म का एंड हो मतलब यहाँ पर शुरुआत हो या यहाँ पर एंड हो प्लेटफॉर्म का, सब लोग वीडियो बनाएंगे भाई इसका। तो अब यहाँ से भैया एक्सेलरेशन शुरू हो गया इसका, देखना चला अभी इसका पुश पुल का, फील करो जरा एक्सेलरेशन को। Okay, so there's
लाइन तो गई अभी आगरा को, हम लोग सीधा दिल्ली वाला रोड पकड़ेंगे गाजियाबाद होते हुए। आगे भाई टुंडला के बाद तो भाई चाय ले ली थी जो ऑन बोर्ड केटरिंग है इसमें, वो भाई अब ऑन बोर्ड केटरिंग का कुछ पता ही नहीं चल रहा अब, मतलब ये नहीं पता चल रहा कि अभी ब्रेकफास्ट हमको मिलेगा अभी कि नहीं मिलता। बोल रहे थे कि टुंडला से लोड होगा, लेकिन देखते हैं कि अभी लेकर आते कि नहीं लाते, वैसे चांसेस कम ही लग रहे। और ये तो वो तो ये भी कह रहे कि अभी तो ये भी नहीं पता कि मिलेगा क्या। बिरयानी बोल रहे थे, मतलब इस टाइम बिरयानी कम ही खाऊंगा मैं तो, लंच में ही लगेगी यार ब्रेकफास्ट जो अभी, मतलब समोसे के नाम पे और कुछ नहीं आया अभी तक इसमें। इसीलिए मैं ये घर से जो लाया था भुजिया और ये बताना, ये हम लोग पंजाबी में इसको बताना कह रहे हैं मीठा वाला होता है, इसी के साथ अब चाय पीने लगा हूँ बस। वैसे और चाय भी मतलब इन लोगों ने ज़्यादा गर्म तो है नहीं, ठंडी सी है ज़्यादा। लगभग 24 मिनट डिले है, अब पहुँच रही है अपना सेकेंड लास्ट स्टॉप, बस इसके बाद सीधा आनंद विहार रुकेगी आगे अलीगढ़ जंक्शन पे। देखो भाई न्यूज़ रिपोर्टर तक जा रहे हैं यहाँ पे अलीगढ़ पे, तो मे बी एलपी सर का लोग इंटरव्यू लेने जाएंगे ये। चलो बढ़िया, रिपोर्टर तक आए हैं वहाँ पे। नहीं है ना, दूर है ना। वैसे अभी तक हमारी जर्नी को 5.5 घंटा हो चुका है लखनऊ से लेकर अलीगढ़ तक, और फिर भी हम लोगों ने 375 से ऊपर किलोमीटर कवर किया है, और उस हिसाब से फिर भी ठीक आई है ये गाड़ी। यार मेरे को एक चीज़ मेरे माननी पड़ेगी इस गाड़ी की, इस गाड़ी ने अभी भी ओवरटेक एक खाया नहीं है, राजधानियाँ से भी पीछे लगी हुई हैं। वो अलग बात है, चलो वो लेट है, लेकिन फिर भी यार मानना पड़ेगा इसके स्लैक को। और एक तो रुक बहुत कम रही है ना, ऊपर से स्टेशन पे भी उतरने का मन नहीं करता फिर मेरा, बहुत कम रुकी है ये यार गाड़ी, तभी इसने कवर किया मुश्किल से। बहुत दौड़ाई है यार ये गाड़ी, और जब प्लेटफॉर्म बस जब ही प्लेटफॉर्म से निकलती है ना मेन लाइन पर, पूरा बस एक्सेलरेट कर लेती है पूरा। इस ट्रेन का अभी भी क्रेज़ है, हालांकि इसका इनॉग्रेशन हुए भी अभी 3-4 दिन तो हो ही चुके हैं, लेकिन लोगों में अभी तक इसका क्रेज़ है। देखो तो भाई न्यूज़ रिपोर्टर तक आए हमें, दो मिले आज। बढ़िया यार। और एक बात और है कि इतना जो मतलब जब भी जैसे ये लोग आया कवर करने रिपोर्टर वगैरह इंटरव्यू लेना, और टुंडला भी ऐसे मतलब हार पहना ऐसे मैंने दिखाया था आपको, तो छोटे जैसे टुंडला अलीगढ़ इटावा इन रेलवे स्टेशन पे ज़्यादा लोगों को खुशी है एज कम्पेयर टू जो कानपुर लखनऊ या दिल्ली के, क्योंकि वहाँ से तो वैसे भी दरभंगा के लिए संपर्क क्रांति चलती है, क्लोन चलती है, ये नहीं ना रुकती यहाँ पर, तो इन लोगों को ज़्यादा फायदा छोटे शहरों को ज़्यादातर। अभी वैसे जैसे देखा जाए तो गाड़ी जो है ना पूरा 130 चल रही है, और यहाँ से देखने में ऐसे पता नहीं चलता, क्योंकि इन लोगों ने ये जो नॉइस वाले लगाए ना ऐसे, इससे नॉइस आती नहीं अंदर बिल्कुल भी ज़्यादा, और ज़्यादा वैसे कोई ऐसे झटका भी फील होता नहीं है। जैसे मैं खड़ा हूँ तो मेरे को ज़्यादा फील हो नहीं रहा, लेकिन पूरा 130 मार रही भाई, अंदर से देखने में पता भले ना लगता हो, पूरा 130 भाई स्मूथ 130 मार रही है ये। वैसे इसकी लगभग जर्नी तो अभी हो ही चुकी है, और वैसे ही मतलब अलीगढ़ से निकले हुए भी इसको आधा घंटा हो ही चुका है, तो मतलब आप मान कर 40 या 35 किलोमीटर होगा इसका आनंद विहार। तो यहाँ की जो साफ़ सफाई है आप देखने का फायदा, देखो यहाँ पे तो मेरे को फिर भी अभी तक माहौल यहाँ पे ठीक लग रहा है, क्योंकि साफ़ सफाई देखो नीचे जो पानी आएगा ना वो फुट पर यहाँ पे रखने से आएगा, लेकिन इसमें आ नहीं रहा। अब दिक्कत पता क्या है, मैं आपको एक बार अंदर चल के बता दूँ, होता क्या कि इन लोगों ने क्या किया कि बस एक बार प्रेस कर दो और छोड़ दो, और पानी थोड़ी देर के लिए आता रहेगा और बाद में ऑटोमेटिकली बंद हो जाएगा। लोग क्या करेंगे, इसको दबा के रखे रखेंगे और अपना जो भी करना वो करेंगे, वो फिर दबता ही रहेगा। तो रेलवे इसको जैसे इकोनॉमी में था ना वैसा नहीं है, थोड़ा उससे अलग है कि उसमें इकोनॉमी में क्या कि दबा के रखना पड़ता था, इसमें क्या कि बस दबा के छोड़ दो तो थोड़ी देर के लिए आता रहेगा, ऑटोमेटिकली फिर अपने आप बंद हो जाएगा। लेकिन ये अभी ख़राब हो चुका है, थोड़ी देर पहले देखा था तो आ रहा था, तो लोगों को आई थिंक इसका कुछ समझ में नहीं लगा। बाकी मैं आपको अंदर का वॉशरूम दिखा दूं, देखो भैया वेस्टर्न स्टाइल इसका ऐसा है कुछ, इसका गेट जो है ना मेरे को पुराने कोचेस की याद दिलाता है, वेस्टर्न स्टाइल जो है ना वो ऐसे खुलता है, मतलब पूरा ऐसे आपको खोलना पड़ेगा और फिर ये खुलेगा, आप ऐसे करोगे बंद हो जाएगा, यहाँ इसको ऐसे कर दो यहाँ पे, और दो लोग हैं टोटल, इसको ऐसे कर देना तो ये आपका कोई नहीं खुलेगा। इन लोगों ने ना एक चीज़ क्या की है कि हर कोच में जैसे वंदे भारत में क्या होता था, सिर्फ आगे वाले जो इंजन और ट्रेन मैनेजर वाले कैबिन में ही आपको दिव्यांग वाला वॉशरूम मिलता था, इसमें इन लोगों ने अलग क्या किया है, इसमें इन लोगों ने क्या किया ऐसा वेस्टर्न स्टाइल टॉयलेट हर मतलब कोच में दिया हुआ है एक, और आप इसको ऐसे कर दो तो ये बन जाएगा दिव्यांग वाला टॉयलेट, इसको ऊपर कर दो नॉर्मल यूज़ के लिए। तो ये कुछ सीन है, इन लोगों ने मॉडिफिकेशन तो काफ़ी अच्छा खासा कर दिया, फ्लश बिल्कुल साफ़ सुथरी लग रही है, इसमें स्मेल बिल्कुल अभी बिल्कुल भी नहीं आ रही है,
बाकी इधर सिंक है, और यही वाली चीज़ मैं आपको अभी एग्जांपल से समझाता हूँ। जैसे यहाँ पे पुश करूँगा, पुश करके छोड़ दिया, पानी आ रहा है, मैं पुश नहीं कर रहा हूँ अभी, और पानी आ रहा है, थोड़ी देर बाद ही अपने बंद हो जाएगा। लोगों ने उसी बार क्या किया था, उन लोगों को भी पता नहीं था, एक्चुअली गलती उनकी भी नहीं, उन लोगों का लगा बिल्कुल दबा के रखी रखो और पानी आता रहेगा, लेकिन ऐसा नहीं है भाई। इसका ध्यान रखना वंदे से ज़्यादा में अगर जा रहे हो तो, ये थर्ड इसी इकोनॉमी से थोड़ा सा अलग है बस, इसमें एक बार दबा के छोड़ देना है, इसको दबा के मत रखना, ही तो ख़राब हो जाएगा भाई ये। बाकी ये यार सोप तो इसमें आता नहीं, क्योंकि इसका लगाने का वैसे फ़ायदा नहीं है, कोई लॉजिक नहीं, क्योंकि नॉर्मल स्लीपर में आपको ना सोप की फैसिलिटी मिलती नहीं, आपको खुद लाना पड़ेगा। सिंक है, और ये इन लोगों ने आई थिंक कुछ परफ्यूम के लिए यहाँ पे कुछ लिक्विड सा डाला ताकि स्मेल ज़्यादा ना आए, मेरे को जहाँ तक मैं समझ पाया हूँ कुछ ऐसा ही होगा। बाकी जो है वॉशरूम मेरे को इसका बहुत अच्छा लगा, और हाँ थोड़ा बहुत है कि कुछ वॉशरूम गंदे थोड़े बहुत हैं, लेकिन इस कोच का बिल्कुल ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, बढ़िया है। ये जनरल का कोच है, और इन लोगों ने जनरल कोच में भी सेम वैसा ही वॉशरूम लगाया जैसा स्लीपर में है। जैसे नॉर्मल ट्रेन में होता है जनरल और स्लीपर का वॉशरूम अलग अलग तरीके से बनाया होता है, ये भी बिल्कुल सेम टू सेम बिल्कुल ऐसा ही है, बढ़िया यार। बाकी अगर इसका स्लीपर का एक बार अंदर से इंटीरियर दिखाऊं, वैसे तब तो अंधेरा था जब मैं आया था, अभी पूरा उजाला हो चुका है। देखो इस साइड दो चार्जिंग सॉकेट है, उस साइड दो चार्जिंग सॉकेट है, एक नीचे मतलब पर पर्सन के लिए चार्जिंग सॉकेट है, और ऐसा ही उस साइड में भी, उस साइड में भी ऊपर सॉकेट है, साथ में ही फ़ोन होल्डर, ऐसा ही नीचे भी फ़ोन होल्डर, वहाँ पे नीचे की साइड दिया होगा आपको, और इस साइड में भी अकेले अकेले पर्सन के लिए एक एक होल्डर है, दो इधर और एक ऊपर वाली साइड में दिया होगा आपको। वाटर होल्डर दिया, इसको ऐसे करोगे तो ये बंद भी हो जाएगा, और वाटर होल्डर यहाँ पर भी है, उस साइड पर भी है, उधर भी है, मतलब साइड रोल में नीचे नहीं है, ऊपर वाली साइड ही है। टिपिकली बोलूँ तो थर्ड एसी इकोनॉमी टाइप कॉन्सेप्ट है इसमें, एक तरह से पूरा फुली थर्ड एसी इकोनॉमी टाइप कॉन्सेप्ट है। जो अलग चीज़ बस देखने को मिली वो बस ये होगा, बस ये होगा उसमें USB टाइप सी वाला भी लग जाता, जो USB से चार्जिंग वाला भी लग जाता है, इसमें बस सॉकेट ही होगा और कुछ नहीं होगा। लेकिन जो भी कहो यार, गाड़ी की जो साफ़ सफाई है अभी तक वो मेरे को ठीक लगी है, वॉशरूम की मतलब ठीक लगी है, तो आने वाले टाइम में पता चलेगा कि गाड़ी का क्या पोजीशन रहता है। वैसे तो अभी तक पूरी प्रायोरिटी रही है, डिपेंड करता है अभी तो, जैसे अभी जैसे फेस्टिवल सीज़न आएगा, अभी जैसे होली आएगी 2-3 महीने बाद, तो हो सकता है उस टाइम पे ये फुल, वैसे तो फुल गाड़ी तो सभी जाएंगी, वैसे डिपेंड करता है कि जैसे वेटिंग वाले आ जाते हैं, ये वो पूरा जर्नल बन जाता स्लीपर, वैसा हाल ना हो, हम ये मतलब ये मैं चाहता हूँ इसमें ये हो। जलंधर सुपर फास्ट है, उसको पीछे कर रही है, अगर ये गाड़ी यहाँ रुक जाती तो मैं इसमें चढ़ जाता, क्योंकि इसने नई दिल्ली जाके अमृतसर इंटरसिटी बन के चलना है, फिर घर जाना आसान होगा मेरे लिए। लुधियाना वेब 7 है, नया वेब 7 है यार, और स्पीड देखो यार गाजियाबाद की, देखो कितनी स्पीड से हो रहा है। जाकर के नई दिल्ली मेरे को यही पकड़नी है यार। सुबह वैसे अभी 12:50 होने वाले हैं, और ज़्यादा गाड़ी डिले नहीं है, वैसे मुश्किल से कहीं 15 मिनट डिले होगी, और अब पहुंच रही है आनंद विहार टर्मिनल पे। फर्स्ट टाइम अराइवल हुआ इसका आनंद विहार पे कमर्शियल रन पे। इधर विक्रमशिला खड़ी हुई है भागलपुर जाने वाली। सो भाई ये तो आ गई थी टाइम से 15 मिनट डिले, उधर हावड़ा राजधानी देखो, इसके पीछे आप जा रहे हैं नई दिल्ली। भाई इसको आगे नहीं आने दिया हमारी ट्रेन ने, इसका नई मतलब कानपुर से दिल्ली तो हर राजधानी नॉन स्टॉप होती है, पीछे पीछे रही है हमारे, एक एक स्टेशन पीछे रही है हमारी, अली पहले रुकी इटावा, अली टुंडला, फिर अलीगढ़, एक एक स्टेशन पीछे से, इसको ज़रा भी ओवरटेक नहीं करने दिया, और इसके पीछे डिब्रूगढ़ राजधानी लगी, फिर सियालदह, ऐसे गरीब रथ भी लगी है,
मतलब टोटली राजधानी गैंग हमारे पीछे ही चल रही थी इस टाइम पे। तो ये तो वही बात हुई ना, राजधानी गैंग को मतलब इस ट्रेन ने राजधानी गैंग को उनकी औकात दिखा दी है। मतलब ऐसे कहने में आता है, मजाक करो, वैसे मतलब वैसे होना चाहिए, मतलब ये होना चाहिए कि इसकी आप इनडायरेक्टली मान के चलो इस गाड़ी की प्रायोरिटी राजधानी से ज़्यादा थी। बाकी यही थी मेरी जर्नी। एक चीज़ बताऊँ ना, आनंद विहार रेलवे स्टेशन में फर्स्ट टाइम आया हूँ, मतलब इस साइड में, क्योंकि वहाँ से सिर्फ गुजर रही हूँ। जैसे राजधानी क्रॉस हुई ना, ऐसे स्टेशन पे कोई पहली ट्रेन जो मैंने डी बोर्ड की है वो, वैसे बोर्ड तो मैंने कोई शुरुआत जर्नी की नहीं, करूँगा जल्दी ही। मैं अभी विक्रमशिला की भी सोचता हूँ जर्नी, मैंने ऑलरेडी बुकिंग है इसमें अभी 14 तारीख को, फिर उस जर्नी में भी आऊँगा मिलूँगा। बाकी अब देखो इसका कॉन्सेप्ट वंदे साधारण का एक आपको बताता हूँ। आप इसको भले नॉन एसी गरीब रथ टाइप का मॉडल कह लो, आप इसको नॉन एसी राजधानी बोल दो, नॉन एसी गरीब रथ टाइप बोल दो, आप इसको नॉन एसी स्लीपर वंदे भारत कह सकते हो, कुछ भी बोल लो यार, बात क्या करें। मतलब गाड़ी जबरदस्त है, लेकिन पहुंच तो गया था यार, लेकिन मेरे को एक चीज़ का ना मतलब एक सजेशन देना चाहूँगा इंडियन रेलवे को। देखो भाई, ये ट्रेन है लॉन्ग डिस्टेंस, वंदे भारत है शॉर्ट डिस्टेंस। वंदे भारत में तो आपने पेंट्री नहीं थी, लेकिन इसमें देरी बनती थी। आप भले नॉन एसी पेंट्री ही एक तरह से बना देते, एलएसी वैसे नॉन एसी तो चलो एसी बनाते, एक पेंट्री का कोच ना बीच में रख देते यार, क्योंकि लॉन्ग डिस्टेंस गाड़ी है। अभी जैसे ये तो इसका तो चलो फिर भी ठीक है, जो चली अभी मालदा से बेंगलुरु के बीच में, 2 दिन का सफ़र है, मतलब 2 दिन का सफ़र 48 घंटे से ऊपर का सफ़र है। पेंट्री बनती है यार, ऑनबोर्ड कैटरिंग से कुछ नहीं होता यार, मेरे को पता। और ऑनबोर्ड कैटरिंग में कुछ मिला ही नहीं, वो बोल रहे थे बिरयानी लोड होगी, मिलेगी, कुछ नहीं मिला, कोई देने नहीं आया बस। हाँ बस जैसे ऐसी जो पैकेट वाली चीज़ें वो मिल रही थी, और चाय समोसा बस सुबह वो मिल रहा था, खास कुछ नहीं मिला इसमें। मैंने कुछ सुबह से सही तरह ऐसा खाया भी नहीं है भाई, अभी जा करके मैंने कुछ खाना पीना भी है। कल मेरे चैनल पे 7,000 सब्सक्राइबर पूरे हो चुके थे, आप सबकी वजह से मेरे चैनल पे 7,000 सब्सक्राइबर कल पूरे हुए थे। मैंने कल स्टोरी डाली थी, आप सभी को थैंक यू वेरी मच। इसी तरह मेरे चैनल पे सपोर्ट करते रहिए, मतलब एक तरह से एम करते हैं कि नेक्स्ट अभी जो साल 2024 चढ़ा है, मार्च या अप्रैल तक उम्मीद करते हैं कि 10,000 हो जाए। करवा देना यार, आप ही करवा सकते हो। शेयर कर दो अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को। मिलते हैं फिर आपसे किसी नेक्स्ट जर्नी में। टिल देन, बाय बाय एंड टेक केयर।